बिग बॉस 16 सीजन शुरू होते ही जंग का मैदान बना हुआ है। शो को शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है और कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। एक दूसरे से बदला लेने और गेम जीतने के लिए घर वाले किसी भी हद तक जा रहे हैं। बीते एपिसोड में भी खूब बवाल हुआ। बीते एपिसोड में शालीन भनोट को कैप्टेंसी टास्क के दौरान धक्का मुक्की करते देखा गया। शालीन ने अर्चना को धक्का दिया था, जिसके बाद अर्चना भड़की। इतना ही नहीं, उन्होंने शालीन को लेकर बिग बॉस तक को धमकी दे डाली। दरअसल हुआ यूं कि निमरत कौर आहलूवालिया को कैप्टेंसी से हटा दिया गया है और कैप्टन बनने के लिए सभी कंटेस्टेंट को टास्क दिया गया। जो गार्डन एरिया में जाकर सबसे पहले हॉर्न बजाएगा वो कैप्टेंसी का दावेदार बनेगा। शिव ठाकरे और गौतम विग ने सबसे पहले हॉर्न बजाया और उन दोनों के बीच टास्क हुआ। दोनों पर सभी ने भार रखा। इस दौरान शालीन को शिव पर अपनी खुन्नस निकालने का मौका भी मिला और वो सूटकेस उठाकर ले आए शिव के सिर पर रखे बास्केट में रखने के लिए। अर्चना शिव की दोस्त हैं, ऐसे में उन्होंने शालीन को रोकने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान अर्चना को शालीन से धक्का लग गया। अर्चना ने इस पर तमाशा खड़ा कर दिया और कहा कि शालीन ने उन्हें मारा है, उन्हें बाहर किया जाए। गौतम के टास्क जीतने के बाद घर में जमकर लड़ाई हुई। घर में शालीन और अर्चना के बीच जमकर बहस होती देखी गई। साजिद खान समेत 5 लोगों ने शालीन की इस हरकत को देखा जब उन्होंने अर्चना को धक्का दिया था। सभी शालीन के खिलाफ हुए। अर्चना की बात को बिग बॉस ने भी सुना। शालीन के खिलाफ एग्रेसिव होने के चलते बिग बॉस ने एक्शन भी लिया, मगर शालीन को घर से नहीं निकाला। शालीन को सजा दी गई, जिसके मुताबिक जब तक शालीन बिग बॉस हाउस में रहेंगे कैप्टन नहीं बन पाएंगे। और दूसरा, बिग बॉस ने शालीन को 2 हफ्तों के लिए सीधे सीधे नॉमिनेट किया है, मगर अर्चना शालीन भनोट को मिली इस सजा से खुश नहीं है। वो शालीन पर बड़ा एक्शन चाहती थी, इसलिए अर्चना बिग बॉस से नाराज हो गई। बीते एपिसोड में अर्चना लिविंग रूम में सभी घर वालों के बीच बैठकर नाराजगी जताती दिखी। वो कहती हैं, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है सर, टास्क के वक्त अगर मेरा भी हाथ उठ गया तो आपको मुझे भी माफ करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर रहकर मैं लोगों के रैपटे रैपटे बजाती हूँ। इसके अलावा अर्चना ने चिकन को लेकर भी पूरे घर में हंगामा मचाया था। शालीन के चिकन मांगने पर अर्चना ने जमकर क्लास लगाई थी कि किस डॉक्टर ने ऐसा बताया है कि तू चिकन नहीं खाएगा तो मर जाएगा। अर्चना की इस बात पर कई कंटेस्टेंट को हंसी भी आई थी। अर्चना ने पूरे घर को चेतावनी दे रखी है कि वो अब सारा चिकन खत्म करके ही मानेंगी। देखना ये होगा कि जब राशन खत्म होगा तब किचन को संभाल रही अर्चना क्या करेंगी। मालूम हो अर्चना को शो में लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उनकी एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी बोरिंग सीन में भी जान डाल देती है। अब देखना ये होगा कि अर्चना को उनका फनी सेंस ऑफ ह्यूमर शो में कितना आगे तक लेकर जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।